फेसबुक में भी लिख रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि पुलिसिंग उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनके साथ साजिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ तमाम सारे अपराध हो रहे हैं। जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सरकारी गुंडे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, वो जो है लोगों के साथ अन्याय करें। अब ये जो घटना घटी 30-31 की रात में, एक बच्ची को 11 साल की, वो बच्ची को ले जाके उसके साथ गलत कार्य हुआ और उसके हाथ पांव बांध के उसके मुंह में जो है कपड़ा ठूंस दिया गया और वो लोग जा रहे थे, थाने जा रहे थे और रास्ते में उस व्यक्ति ने रोक लिया। चूँकि उन लोगों को इतना भय, उस व्यक्ति का पहले से इस गाँव में क्षेत्र में आतंक है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब भी कोई घटनाएं होती है वो पुलिस को वही डील करने का काम करते हैं, तो पुलिस के दलाल के रूप में सक्रिय थे, पुलिस भी उनकी सुनती, इसलिए उस बच्ची को जो जबरदस्ती उनको ले जाके कौशाम्बी ले जाया गया जहां उसकी हत्या करा दी गई। हत्या इसलिए करा दी गई ताकि इस घटना को छुपाया जा सके और जो आरोपी उनको बचाया जा सके। हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार दम भरती है कि क्राइम रिपोर्ट बहुत नीचे जा रहा है और विशेष रूप से अनुसूचित जाति जो हमारे समाज के निचले तबके का व्यक्ति है उसके साथ बहुत सारी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सरकार से हमारी मांग है, अभी तो जो परिजनों ने उनकी तहरीर दी गई है, मुकदमा कायम होगा, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग है कि तत्काल अंतिम संस्कार के पहले जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, इस पीड़ित परिवार को 5 लाख की कम से कम आर्थिक मदद दिलाई जाए और इस पीड़ित परिवार को लाइसेंस दिया जाए। चूंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है वो बाहुबली है, वो थाने का दलाल है, पुलिस का दलाल है, पुलिस की सैप पूरे जितने पुलिस फोर्स है वो वही जाके दिन भर थाने में बैठा रहता है। नाम क्या है उनका? मेरा नाम अनिल प्रधान। उनका नाम क्या है सर जो इनकी बात कर रहे हैं आप? अरे एक अच्छा बरेठी का विपुल मिश्रा है, उसके पहले भी रेप के मामले में आरोपी था, न्यायालय में मामला होगा जो भी मुझे नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि इस क्षेत्र में, इस जिले में सामंतवादी व्यवस्था के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन थाने पुलिस नहीं चला रही है, नहीं SP चला रहा है, थाने जो है BJP के गुंडे और दलाल चला रहे हैं और कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं है पूरे जिले में। हमारी मांग है कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक इस पीड़ित परिवार की सुरक्षा से लेकर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम नहीं किया जाएगा।